राष्ट्र कवि दिनकर की कविता को भले ही पढ़ नहीं पाए, लेकिन खन्ना जी की उस पर शेरो शायरी पर टिप्पणी कर रहे थे। लगता टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये पुष्दंड। महोदय, कल मैं देख रहा था, पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे प्रयागराज की घटना को लेकर के। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिश करता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो उमेश पाल मारा गया था उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाए? ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजूपाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। अब जाति जाति की बात करते हैं। मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप जाति के मुद्दे को लेकर के आते हैं, हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं, जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 trillion की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं, अरे साहब 1 trillion कैसे हो पाएगा यूपी? अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं, यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी, आज उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठिलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। होगा $1 trillion की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगी। और जरूर बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेकिन मुद्दे को भटकाने का प्रयास कैसे होता है,
महोदय, एक और नमूना, वह है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे थे ना, 12 से 17 के बीच में क्या हुआ था तो हर व्यक्ति जान ही रहा है, लेकिन 2016-17 में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे थे उस समय 21,21,629 छात्रों के लिए तत्कालीन सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी थी। स्कॉलरशिप रोक दी थी और जब हमारी सरकार आई मार्च 2017 में तो पिछली और उस वर्ष की स्कॉलरशिप फिर हमारी सरकार ने एक साथ देने का काम किया। क्या गलती थी उन बच्चों की? इसमें तो भारत सरकार देती है पूरा पैसा, लेकिन बहुत सारी जैसे योजनाओं में, अभी मैं विभिन्न सेक्टर्स में आऊंगा, और यही लोग जो दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, कमजोरों का, निरी गरीब कमजोर वंचित पिछड़े, इन सबके हक पर पूरी तरह डकैती डालने का काम करते थे, वही जब कुछ नहीं चलता तो फिर जाति 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 ये सब चलाने लगते हैं। महोदय, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है, कोई मुद्दा ना मिले तो उसी को फिर उठा करके और फिर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है, विकास से के मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से, निवेश के मुद्दे से जनता के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है, और यही तो हो रहा है, यही करने का प्रयास हुआ। महोदय, प्रदेश के अंदर वित्तीय प्रबंधन का और नमूना मैं देता हूं। 2016-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था